An army of 1,200 trained RSS cadre was put together a few days before December 6, 1992 to spearhead the demolition of the Babri Masjid. No state agency got a whiff of it. This formation was given the name Lakshman Sena, and the man who headed it was Ramji Gupta. Usi samay tatkal jo hai Lakshman Sena ka gathan hua aur uska rashtriya pramukh main hi raha aur uska jo jai shesh avtar nara tha, says the soft-spoken devotee of Hanuman. However, the intent was not that innocent. The way the formation was put together carried a sinister design, as Ramji Gupta makes it known in a subtle manner. Actually, with the formation of Lakshman Sena, the countdown to the Babri Masjid demolition had begun. Gupta says, "Kya jo sab log keh rahe the, wo un logon ne bhi kiya." लोगों को फिर उत्साहित करने में लगे जी, पहले मना करने में जब ये सब शुरू हो गया तो फिर सब लोग जो अपने आप को रोक नहीं पाए जी। केवल आडवाणी जी ही बहुत दुखी थे जी, हाँ उन्हीं के बारे में मैंने सुना। केवल लाल कृष्ण आडवाणी जी, मेरा तो ऐसे जैसे आप बैठे हैं जी। फिर बाद में उन्होंने हमको बुलवाया कि तो डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान थे, वही जानते थे मैं कहाँ मिलूँगा, किस टाइम कहाँ रहूँगा, वही जानते थे सब। पाँच लोग ही सारी जानते थे, छठवां व्यक्ति कोई नहीं जानता। अच्छा, ऐसा क्यों था? ऐसा था, देखिए छठवां जानने का मतलब कुछ नहीं हो पाता जी। छठवां जानने का मतलब कुछ नहीं हो पाता जी। और कहीं से कौन-कौन थे? कोई आदेश नहीं था जी। आपको तो दो नाम पता है जी, है ना, हमने अपना नाम आपको बता ही दिया जी। दुर्ग सिंह चौहान जी थे जी, और शंभू नाथ जी थे जी, ऐसे ही इसमें एक नाम चंपत राय जी का है जी। तो ऐसे ऐसे ही जी, जी।
ऐसा अवतार के पीछे बैठे हुए ये नहीं गए, इनको कासम था कि जब ऐसा अवतार का नारा लगेगा और इसको हम लगाएंगे तभी जाना है आपको। तो फिर बाद में वो लोग भी उतावले हो गए और नारा देने के लिए मजबूर करने लगे, तो नारा दे दिया गया। वो लोग भी 1200 लोग पहुंच गए, पूर्ण व्यवस्थित थे उसमें। फिर जैसे आपको पानी की जरूरत है तो उनके पास बाल्टी में पानी था, ऐसे ऐसे सारी। और एक एक टुकड़ियों को एक एक काम सौंपा गया था, वो सब बाखूबी अपना काम। ये क्या हो रहा है, ऊपर के जितने शीर्षस्थ अधिकारी नेता थे किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ और कहां से कैसे क्या हुआ, स्पोर्ट सेना के विषय में किसी को पता नहीं। अच्छा, तो तत्काल ऐसे ही ये बन गया जी। दो दिन और फिर वो कैन डे की जो घटना है वो हम लोगों के सामने थी। गोली चलने के बाद उस समय भी पूरा अयोध्या सूना हो गया था जी, सारी फोर्स हट गई थी। आपके पास अगर औजार होते उस समय कैन डे में ही गिरवा सकते थे आप, गिर जाता। और वही कमियां इस बार ईश्वर ने दूर किया उसको। Ramji Gupta tells how he was called over to Mata Tila, where all senior leaders had been put up in a government rest house after they were arrested post the Babri Masjid demolition. Here we come to know that the plan that had been executed with so much secrecy had carried a code name. It was called Operation Janmabhoomi. The leaders wanted to know, Ramji says, Operation Janmabhoomi ke sambandh mein kaise kya hua. According to Ramji, everybody contributed to wiping out the symbol of disgrace, and Lakshman Sena was not far behind. In his words, Kalank ko mitane mein sabka sahyog hua. Lakshman Sena ne kiya jo sab log kar rahe the, wo un logon ne bhi kiya. But here is his most explosive revelation. He actually gives the credit to Lakshman Sena for the demolition of the Babri Masjid. He says, agar Lakshman Sena samay par nahi pahunchti sahyog karne ke liye, to fir 91 ki tarah ho jata, nahi toot pata. ये श्रेय लक्ष्मण सेना को जाता है। ये है कि लक्ष्मण सेना जैसे 4 लाख की भीड़ थी, अगर लक्ष्मण सेना समय पे नहीं पहुंची सहयोग करने के लिए तो फिर 91 की तरीके हो जाता, नहीं टूट पाता। अच्छा, अगर लक्ष्मण सेना नहीं होती, नहीं होती तो जैसे 90 में वो गोली कब चलाई थी उन्होंने, 90 में 2 अक्टूबर, तो वैसे ही फिर अधूरा रह जाता वहां। ये श्रेय लक्ष्मण सेना को जाता है। 50 लोगों की 24 टोलियां
24 मतलब 1200 हो गई संख्या। तो इन सारे जितने भी लक्ष्मण सेन सबको पता था कि ये जो कलंक है इसको हटा देंगे, कलंक तैयारी नहीं है। अच्छा, कोई तैयारी की लेकिन हम पहले नहीं जाए। हम पहले नहीं जाएंगे। हाँ, तो किस तरीके से, क्या किस तरीके से? जब कार सेवक जो है को रोकेंगे, कार सेवक नहीं तो उसके बाद हम कार सेवक की मदद करेंगे। वो नारा मतलब जो बताया था जैसे था होगा वो बोलेंगे, उसको कोई टाइम को लेके था कि इस टाइम बोलेंगे या कुछ? उसको खाली 3 बार हमको बोलना था बस। अच्छा, लोग नष्ट हो जाएं इस शेर को कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले कुर्सी मिले।